क्या सत्यों की बाबा कहते हैं तो वो 9 लाख मना सारे ब्राह्मण होंगे ना, ब्राह्मणी सब देवता बनते हैं, तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं वो सब देवता बनेंगे, तो साथ रहेंगे ना, सारा कल्प ही साथ है, आदि में भी साथ थे और अभी भी अंत में भी साथ है, भले बीच में कहीं बिखर गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, दुनिया के किसी भी कोने में चले गए, लेकिन बाबा अभी आकर के फिर से वसुधैव कुटुंबकम की एक सुंदर धारणा हमें देते हैं कि सारा विश्व एक परिवार है और ये भारत की संस्कृति है, सबको अपनाया है, सबको अपनाया है, किया है ना भारत ने, कितना बड़ा दिल रखा है भारत ने, कितनी संस्कृतियाँ यहाँ पनपी बसी और अभी तक चल रही है। लेकिन जो भारत की आदि संस्कृति है, जो देवी देवताओं की संस्कृति है, वो संस्कृति कभी नष्ट नहीं हो सकती है, कभी नष्ट नहीं हो सकती है, चाहे कितनों ने भी कोशिश की नष्ट करने की, लेकिन नहीं नष्ट कर सके, क्योंकि वो तो फाउंडेशन है, नींव है, और वो ही हम आदि संस्कृति वाले बच्चे, भगवान के बच्चे, फिर अंत में भी आकर के मिलते हैं और वापिस अपनी आदि संस्कृति को पहचानते हैं। मैं तो डबल विदेशियों को भी देखती हूँ, इस 83-84 में बाबा की जो डबल विदेशियों के प्रति मुरलियाँ चली है, हर संडे को हम सुनते हैं, बाबा ने डबल विदेशियों की भी कितनी महिमा की है, और सचमुच हम तो 70 देशों में होकर आए, कई बार होकर आए हैं, और वो भी भारत में आते हैं, मधुबन में आते हैं, हम उनका अनुभव सुनते हैं, बाबा से कितना प्यार, बाबा के लिए कितना समर्पण रहता, और इसी नशे में रहते हैं कि भारत हमारा आदि वतन है, भारत, हम आदि भारतवासी हैं, ये अपने आप को महसूस करते हैं, भले पीछे चले गए, दूर दूर चले गए। एक बार एक विदेशी बहन अपने बाप दादा के सामने आई और कहे कि मुझे भारत इतना प्यारा लगता है, पर बाबा मैंने क्या पाप किया जो मुझे दूसरे देश में जन्म मिला, देखिए दूसरे देश में जन्म मिला, कि क्या पाप किया मैंने बाबा, तो बाबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया उसको, बाबा ने कहा नहीं बच्ची, आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन ड्रामा में आपका ये पार्ट है, अगर आप उस देश में जन्म नहीं लेती होती तो उस देश की जो आत्माएं हैं उनकी सेवा कैसे होती, क्योंकि भारत वाले तो इसलिए आपका उस देश में जन्म होना माना उस उनकी सेवा के लिए आपको ड्रामा अनुसार ये पार्ट मिला है, तो संतुष्ट तो हो गए। लेकिन फिर दूसरा प्रश्न पूछा, पर बाबा ये एक ही जन्म है या कई जन्म लिए विदेश में, तो बाबा ने कहा एक ही जन्म एक ही जन्म आपने लिया है विदेश में, बाकी तो भारत की, इसीलिए भारत रंग में भारत है, एक ही जन्म लिया क्योंकि इस समय आपका आपका पार्ट है वहाँ की सेवा करना। तो फिर कहा बाबा मैं यहाँ ही रह सकती हूँ, फिर वहाँ की सेवा कौन करेगा, आपको ही कर रही है, इसलिए जाना भी पड़ेगा। तो देखो बाबा ने कितना वो प्यार भी दिया और साथ साथ जिम्मेदारी भी दी, और ड्रामा कितना अकेले वो भी स्पष्ट किया, उसको संतुष्ट भी किया।